द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉक टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। जिले की पुलिस ने नए कप्तान की आमद के साथ ही सक्रियता बढ़ा दी है, जिसके तहत सरेनी पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण में उपयोग में लाए जाने वाली 1450 लीटर स्पीड बरामद कर 3 लोगों को जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर 2020 को थाना सरेनी पुलिस और सर्विस लार्ज टीम के संयुक्त प्रयास से तखतखेड़ा थाना सरेनी रायबरेली में 29 प्लास्टिक केन में लगभग 1450 लीटर अवैध शराब बनाने का अल्कोहल बरामद हुआ था, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में कौशल प्रताप सिंह पुत्र राकेश कुमार सिंह निवासी खेड़ा तेज गांव थाना सरेनी, शैलेंद्र बहादुर सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर सिंह निवासी उपरोक्त तथा राम गिरीश जायसवाल पुत्र स्वर्गीय शोभनाथ निवासी कृष्णा नगर मुराई बकापाल डलमऊ रायबरेली बताया जाता है। बताया कि सराहनीय कार्य के लिए प्रभारी निरीक्षक की टीम और एसओजी प्रभारी टीम ने अपना सराहनीय योगदान दिया। डॉक टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में एसओजी टीम और थाना सरेनी को ये सटीक सूचना मिली थी कि एक फार्म हाउस में अब मिश्रित शराब का धंधा किया जा रहा है। इस सूचना पर जब छापेमारी की गई तो थाना सरेनी के एक फार्म हाउस से 29 बैरल अपमिश्रित शराब रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद हुई। इसके साथ ही साथ वहां फार्म हाउस के 2 लोग और एक और व्यक्ति जो कि इसका सप्लाई का काम करता था, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये रेक्टिफाइड स्पिरिट ये फतेहपुर में कहीं एक स्थान से मंगाते थे और उसमें पानी मिलाकर, 3 हिस्सों में पानी मिलाकर उसे रेगुलर शराब बनाकर बोतल में पैक करके बेचते थे। इस रेक्टिफाइड शराब की कुल कीमत लगभग 4.5 लाख है मार्केट वैल्यू, और यदि इसमें पानी मिलाकर ये शराब बनाकर बेचते तो इसकी कीमत लगभग 13-13.5 लाख के करीब की होती। इन 3 को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। डॉक टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।